केरल की वास्तविक स्थिति फिल्म में कितनी दिखाई गई? मैंने फिल्म नहीं देखी तो इसलिए मुझे मालूम नहीं, और ऐसे विषयों पर नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन एक बात सच है वो ये है, मैंने फिल्म नहीं देखी तो मैं फिल्म पर कैसे बात कर सकता हूँ। एक बात सच है कि चूँकि केरला में सौहार्द का माहौल इतना मजबूत है तो उसको आपस में भाईचारा, आपको एक ही लोग एक ही ड्रेस पहनते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही खाना खाते हैं, कोई वहाँ पर आपको ये नहीं मिलेगा कहीं कोई कहते हुए कि ये मुस्लिम भाषा है, ये हिंदू भाषा है, ये क्रिश्चियन भाषा है, ये हिंदू खाना है, ये मुस्लिम खाना, कोई कहते हुए ये कहते हुए मिलेंगे कि ये नॉर्थ केरला का खाना है, ये साउथ केरला का खाना है। तो ऐसी जगह पर वो ख़ास तौर से वहाँ पर पिछले सालों को नहीं कहूँगा मैं, उनके दशक भी कह सकते हैं कि एक दो दशक से एक बड़े सुनियोजित प्रयास हो रहे हैं कि जिससे वहाँ पे कुछ दरारें पैदा की जा सके, वो हम सबको मालूम है। प्रोफेसर के हाथ काट दिए और भी कई घटनाएं हुई, तो वो बात सही है कि सुनियोजित साजिश है, वो सभी मानते हैं। हिंदू महिलाओं का जो धर्मांतरण केरल में हो रहा है, ये मुझे ये मैंने देखा नहीं, चूँकि ये फिल्म में कहा गया है वो महिलाओं का नहीं, बल्कि मैं तो इसे पूरे समाज के तौर पे देता हूँ कि कोई भी ऐसा काम जिससे समाज में अशांति पैदा हो, वो एक है कुछ लोगों का। सर, महाराष्ट्र में कल सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया, कोर्ट ने कहा है कि पार्टी की बगावत फ्लो टेस्ट का आधार नहीं हो सकता। हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर चर्चा नहीं करनी चाहिए उसको। सर, द केरल स्टोरी के मामले में बताया जा रहा है कि जो विपक्ष का कहना है, कांग्रेस पार्टी का, कि जो ये फिल्म है ये मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। अब ये वो उसका जवाब वो ही दे सकते हैं, मैं जिस पद पे हूँ मैं राजनीतिक लोगों के बयानों पर कम टिप्पणी नहीं कर सकता।